ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਮੁਲੇ ਅਸੇ ਚਾਤੀ ਨਾ ਆਈ ਜਾ ਵੀ ਨੇ ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ ਦਾ ਹੈ ਅਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾਂ ਨਹੀਂ जी दोस्तों, हम इस वक्त रत्ती गली लेक पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। ये हमारे निज़ाम भाई अकेले अकेले चोरी चोरी क्या खा रहे हैं? बिस्किट खा रहा हूं। अजीम खान जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रत्ती गली लेक पे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत झील, सतह समंदर से 13,309 फीट की बुलंदी पे है ये झील। 13,309 यानी 13,000 के लगभग? हाँ, अबाउट 14,000। अच्छा, कि बुलंदी पे है, बहुत खूबसूरत झील। पहले ही नज़र पड़ते इंसान का दिल सुभान अल्लाह, मुंह से सुभान अल्लाह निकलता है। माशाल्लाह, आप देखें किलोमीटरों तक फैली हुई झील है सामने, इसके ग्लेशियर्स और ये सारा साल। जी अजीम भाई, क्या करें, ये सारा साल बंद रहती है, कोई साल के 3 महीने के लिए ये ओपन होती है और ये अपना दीदार कराती है। इस झील पे की सबसे खूबसूरत बात ये कि बादल इस पे आशिक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस पे हर वक्त बादल, ये बादलों में घिरी रहती है। आप भी देखें, आप ये दिखाएं। हाँ, ये सामने बादल हैं। और अच्छा, ये पहले इधर बादल नहीं थे, अभी ये नीचे आ रहे हैं ना झील की तरफ? हाँ बिल्कुल जी, झील की तरफ। ये सामने बादल है, है कि ये झील हमें नज़ारा अपना दीदार करा रही है। अच्छा अच्छा, तो बहुत कम ये अपना दीदार कराती है। इनकी इसके बादल इस पे छाए रहते हैं, झील के ऊपर बादल होते हैं। हाँ, बादल छाए रहते हैं। अगर सूरज निकल आए तो इसका कलर चेंज होता रहता है। अच्छा, एक देखने वाला नज़ारा होता है। जबरदस्त। वजह रत्ती गली नाम रखने की वजह मैं आपको बताऊँ, वो इसके ये फूल है। अच्छा, जो ये जो सामने आपको फूल नज़र आ रहे हैं, ये सामने। अच्छा, ये इसको रत्ती गली इसीलिए कहते हैं, ये इन फूलों की वजह से इसका नाम रत्ती गली है। ये हम दोस्तों को ना जूम करके दिखाते हैं। अच्छा, ये सारे फूल हैं ये? हाँ, ये सारे फूल। हाँ अजीम भाई, अब नज़र आ रहे हैं, देख रहे हैं माशाल्लाह। इसकी नाम की वजह भी यही है, रत्ती गली, इन फूलों की वजह से इनका इसका नाम रत्ती गली रखा गया है। और आप देखें कि ये भेड़ें चल रही हैं, खूबसूरत मेडोज, इसके पीछे बादल हैं। अच्छा अजीम भाई, खूबसूरत झील, बहुत ही खूबसूरत झील, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तक पहुंचना भी बहुत, हाँ, गुर्दे का काम है। जी जी, हमने बहुत लंबा सफ़र तय किया, का जीप ट्रैक है और 1 घंटे की कोई हाइकिंग है, स्टीप हाइकिंग, 1.5 घंटे की, 2 घंटे के लगभग। तो माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत झील, ग्लेशियर देखें, ये सारा साल ग्लेशियर पड़े रहते हैं सामने झील के ऊपर। अच्छा, ये गर्मियों में भी ये पड़े रहते हैं? सारा साल पड़े रहते हैं। अभी ये ग्लेशियर मेल्ट हुए हैं, मतलब पिघले हैं, अगले महीने से फिर बर्फबारी शुरू हो जाएगी तो ये दोबारा से बनना शुरू हो जाएंगे। तो अक्टूबर नवंबर में ये झील फुल फ्रीज हो जाती है पूरी, इस पर। अच्छा, फ्रीज इस पे, इसके ऊपर आदमी लोग भी चलते होंगे ना? नहीं नहीं, चल कोई नहीं सकता, आ कोई नहीं सकता यहाँ पे। झील पे बादलों को उतरता दिखाएं, देखें कैसे बादल उतर रहे हैं सामने। जी हाँ, ये बादल बिल्कुल झील के ऊपर ही आ रहे हैं, बिल्कुल देखिए कैसे उतर रहे हैं बादल। और डेली तकरीबन डेली इस पे बारिश भी होती है। बहुत खूबसूरत झील, बहुत खूबसूरत। दूसरे किनारे की तरफ हम नहीं जा सकते, नहीं तो वो वहाँ ग्लेशियर तक जाते तो वो जाके दिखाते।
पत्थर कहना ज़्यादा दूर है ना वो। इमरान भाई जी, जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे माशाल्लाह इस झील के बारे में? अजीम भाई ने तो माशाल्लाह काफ़ी सारी मालूमात दोस्तों को दे दी। जी जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो जनरल इन्फॉर्मेशन थी वो अजीम भाई ने दी है। जी माशाल्लाह, लेकिन जो हैकिंग करके आए हैं, थकावट थी जब ऊपर चढ़े हैं उस टॉप के ऊपर, तो ये व्यू देखा है, यकीन करो सारी थकावट उतर गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़्यादा करीब आते गए तो खूबसूरती में इजाफा होता गया झील की। बेसाख्ता मुँह से माशाल्लाह सुबह ऐसे व्यू हम पढ़ते ही। अजीम भाई वैसे जो है ना, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हम जो है ना ऐसे व्यू जो तस्वीरों में देखते थे, बिल्कुल आज रियलिटी में देख रहे हैं, ओरिजिनल में देख रहे हैं। ये हमारी खुश नसीबी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी खुश नसीबी खुशकिस्मती। और मैं जब यहाँ पे आऊँ ना, मैंने अभी तक तस्वीर नहीं बनाई, खूबसूरती को देखता रह गया। अच्छा जबरदस्त, अभी दिल कर रहा है, मैंने कहता इसके साथ कुछ खुशगवार लम्हात मैं कैमरे में कैप्चर कर लूँ। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, कैमरा तो हम लेके भी इसीलिए आए हैं कि यहाँ के वीडियो व्यू बनाएं और फ़ोटोज़ वगैरह भी ले लें। वाकई सुभान अल्लाह, ऐसे व्यू जो है ना हम पोस्टर्स में देखते थे, टेलीविज़न में देखते थे, अब अपनी आँखों से हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी खुशकिस्मती है, अल्लाह ताला ने हमें यहाँ इस जगह, इस खूबसूरत जगह में जो है ना अल्लाह ताला हमें आने का मौका दिया अल्लाह ताला ने। तो निज़ाम भाई, आखिर में आपसे जो है ना हम पूछना चाहेंगे, कोई ऐसी खुफिया मालूमात जो आप देना चाहते हैं? मेरे ख्याल से आप पहले भी आए हुए हैं इधर, क्योंकि हम तो पहली बार इधर आए हुए हैं और हमें हम अब दिल कर रहे हैं कि यहाँ से वापस भी ना जाए, इधर ही रह जाए। 2020 में मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था जी, तो ये मेरी दूसरी खुशकिस्मती है कि मैं फिर से आया ये हमारे साथ। जी जी बिल्कुल, जब फर्स्ट टाइम जब हम आए थे तो झील तकरीबन 1.5-2 घंटे हम यहाँ बैठ रहे हैं, झील के ये जो बादल है इन्होंने हमें मौका नहीं दिया। अच्छा, व्यू का हम वो ऊपर मेडोज पे बैठे रहे। अच्छा, यहाँ इस जगह में बादल थे, झील के ऊपर बादल थे? बिल्कुल बादल थे। आप वहाँ बैठे थे? हम वहाँ मेडोज पे बैठे इंतजार करते रहे कि कब ये बादल छटेंगे और हम झील का दीदार कर सके। ओहो माशाल्लाह, तो झील ने तकरीबन कुछ 10 से 15 मिनट का दीदार कराया था हमें। अच्छा, फिर से बादल और बारिश आ गई थी, जबरदस्त। अब दूसरी दफा आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज बहुत अच्छा खुशगवार आप दोस्तों के साथ सफर गुजरा है जी, मौका मिला है, अल्लाह पाक ने सेहत और मौका दिया है हमें जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का कि हम ऐसे नज़ारे देख रहे हैं, अल्लाह पाक की कुदरत को अपनी आँखों से महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं। जी जी, अच्छा क्योंकि जो है ना डीजी खान से पहले भी दोस्त आते होंगे, तो हमारे जो विजिटर दोस्त हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए कि कौन से मौसम में यहाँ आना चाहिए? और मतलब ये सर झील जो है यहाँ ये इलाका जी, ये 9 माह बर्फ़ पोश पहाड़ में रहता है, 9 महीने ये इसमें बर्फ़ रहती है, साल में सिर्फ 3 माह के लिए यहाँ से बर्फ़ छटती है जब गर्मी आती है, जून जुलाई और अगस्त। अच्छा, अब हम आज हैं अगस्त की 11 तारीख और टाइम दोस्तों को बता दें कि 12 बज रहे हैं, दिन के 12 बज रहे हैं। ठीक, आज से हफ्ते बाद जी वो कह रहा था कि इस जगह पे बर्फ गिरना शुरू हो जाएगी। अच्छा, और ये लोग नकल मकानी शुरू कर देंगे यहाँ से, तो जून जुलाई और अगस्त के पहले 10 दिन अच्छा इनमें ज़रूर विजिट करें, ये बहुत इसका मतलब हम जो है ना बिल्कुल सही टाइम में इधर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेहमान नवाज लोग हैं, खुशगवार माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह, खुशगवार एहसास है। ये थोड़ी देर पहले हमें ये पहाड़ नजर आ रहे थे, बिल्कुल नजर आ रहे, अब ये देखो पूरे बादल आ गए, ये आपके देखते ही देखते अब ये कवर कर हमारे ये वीडियो बनाते बनाते इस पे बादल आ गए, देखें अब पहाड़ नजर नहीं आ रहा, यहाँ से आगे आपको पहाड़ नजर आ रहा है।